हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ वंदना, योर साइंस टीचर। आज हम 10th स्टैंडर्ड को साइंस में फिजिक्स का चैप्टर जो होता है वो पढ़ाने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं उनका 11th-12th में जो होता है ये चैप्टर्स बहुत डिटेल में है। प्लस इसके अलावा जो लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ये उनका बेस है। तो अगर इस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट आपको जो होते हैं वो क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर से पहले एक बार सेल्फ जो होता है वो रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा पूरे चैप्टर का, और फिर उसके बाद में दोबारा से अगर यदि रिक्वायर्ड होता है तो दोबारा से मेरा वीडियो देखिए, तो आपको काफ़ी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, लेसन नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कौन कौन से टॉपिक आज लेने वाले हैं? हम सबसे पहले लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्लस उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, प्लस अगर यदि हमको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं उनको हम डिटेल में लेने वाले हैं। तो ये पढ़ने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो छोटे स्टैंडर्ड में खासतौर पर 7th-8th में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों की जाती थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्लास्टिक का रूलर लेकर के हम कहते थे अपने जो हेयर में थोड़ी देर रब करो, और रब करने के बाद में जो होते हैं कुछ कागज़ के जो टुकड़े होते थे उनके पास में लेकर के जाते थे और बोलते थे देखो ये चिपकेंगे ये नहीं चिपकेंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि कागज़ के जो टुकड़े होते थे वो स्केल से जो होते हैं रब करने के बाद में चिपक जाते थे। क्यों चिपकते थे, उसका रीज़न पता चला नहीं, यानी ध्यान से नहीं पढ़ा था वो। उसका रीज़न ये था कि एक्चुअल में इन पर जो होता है जब हम रब करते हैं स्केल को या पेन को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को, तो उस पर चार्ज आ जाता है, और चार्ज आ जाने की वजह से वो कहता है अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने जो होता है छोटी छोटी एक्टिविटीज थी। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि जो हमारे घरों में आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके से बहती है, प्लस किस तरीके से करंट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, उसके लिए कौन कौन सी यूनिट हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी कि केमिस्ट्री में आपने जो होता है मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने देखा था कि मेटल जो होते हैं वो हम कहते हैं कि भैया कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनका रीज़न क्या है, क्यों गुड कंडक्टर हैं, तो उसको पहले हम एक बार समझ लेते हैं फिर से। ठीक है, देखिए मेटल्स होते हैं जैसे मैंने कहा कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये जो होते हैं वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मीन्स होता है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक साइड से दूसरी साइड बड़े आराम से पास की जा सकती है, किस है ना। और इसका उल्टा अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँगी, जैसे मैं प्लास्टिक की बात कर लूँ या फिर मैं ग्लास की बात कर लूँ या फिर मैं किसी वुडन वगैरह के जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं वो नॉन कंडक्ट प्रोडक्ट हैं। ये इनमें से जो होता है अगर आप कितना भी कोशिश कीजिए कर लीजिए कि इसमें से एक एंड को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करके तो दूसरे एंड तक पास नहीं होगा। इस टाइप के जो होते हैं इनको हम ओवर कंडक्टर या फिर आप इंसुलेटर भी कह सकते हैं। अब अगर साइंटिफिक लॉजिक इनकी क्या वजह है कि ये गुड कंडक्टर हैं, तो उसकी वजह हम पहले एक बार जान लेते हैं। देखिए मेटल, मेटल में मैंने जैसे मान लीजिए कॉपर है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, आप जब कभी भी आप इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 1 से 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 1 से 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक मेटल ए, ठीक है, ये इसके मान लीजिए इसके पास में 3 ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट सेल में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। पहला रीजन कि इनके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली क्या करेंगे, अपने आप को अनस्टेबल करने के लिए नोबल गैस के बराबर का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए या ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए वो अपने इन 1 से लेकर के 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम ज़्यादातर उनको दे देते हैं कि लो भाई जिसको ज़रूरत है वो ले लो और हमको फ्री कर दो, हमारा अंदर का ऑर्बिट तो ऑलरेडी कंप्लीट
रिपीट है। अगर हम ये तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हम बिल्कुल जो होते हैं वो अनएक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले उनके पास में आउटर मोस्ट सेल में एक से तीन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमेशा आउटर मोस्ट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होता है, यही मेन जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट है या मेन जो होते हैं फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब वो ये क्या होगा कि कोई भी मेटल जो होता है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को जब पास करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वन टाइप ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, तो जब कभी भी एक एंड से दूसरी एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सब पता चल गया कि ये क्या नाम है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा रीजन, इनके पास में जो न्यूक्लियस, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन जल्दी से चले क्यों जाते हैं उसका रीजन बता दूं, इनकी जो न्यूक्लियस है वो होता है बहुत छोटा, और इसका साइज इतना छोटा होता है तो जाहिर सी बात है इस न्यूक्लियस में रहते हैं कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इस ऑर्बिट के साथ में अच्छी तरीके से बाइंड होंगे। अब जाहिर सी बात है इस वाले तक थोड़ा सा उनके अंदर स्टेमिना कम हो जाएगी, और जाहिर सी बात है इतना सा न्यूक्लियस और माइंड इतने सारे को करना है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, चलो मान लीजिए कैसे कैसे करके इसको भी अपना उनके बीच में फोर्स होता है वो बांधे रखने में, इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने में हेल्प कर, लेकिन अब न्यूक्लियस है छोटा और आप बोलो कि भैया ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ में भी बहुत अच्छा वाला अट्रैक्शन फोर्स लगा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका सामर्थ्य इतना नहीं है, इसका साइज ही बहुत छोटा है, और छोटा साइज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो भैया जरा सा भी पुश मिला नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमना फिरना चालू हो गए, ठीक है कि नहीं, मतलब रहना चालू हो गए, ओके। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें सबसे जो पहले आप ये पता करो कि भैया चार्ज क्या होता है। तो आप अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया चार्ज क्या होता है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं। तो आज हम सीक्वेंस वाइज पहले पढ़ लेते हैं। पहले हमने सीखा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जिसकी वजह से कैटाइन्स बनते हैं, और कैटाइन्स जो होते हैं वो आप कह सकते हो यही जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, ठीक है। अब ये इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे जो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि एक तो पहली बात इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, दूसरा रीजन इनका न्यूक्लियस बहुत छोटा है जिसकी वजह से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच का जो आकर्षण मेरी अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन का जो है वो बहुत कम फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गया, इसी वजह से ही हम मेटल्स को क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर, जबकि इसके उल्टा अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने की वजह से ये बनाते हैं एनायन, ओके। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी अपना पढ़ चुके हैं कि ये जो होता है वो एनायन बनाएंगे, प्लस इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर मतलब होता है कि वो इनमें से जो होते हैं सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन होते हैं। अब आता है कि भाई ये तो पता चल गया कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर है, लेकिन मेटल के में से जो होता है वो सबसे पहले का काम है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपका जो है वो बनाना, या आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या है कि नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक आप कह सकते हैं प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस में जो भी आपका एटम है उसमें प्रेजेंट एक पार्टिकल्स है, ठीक है कि नहीं है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज और एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हमारे जो होते हैं वो आप इसके अलावा एक और कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास में पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो आप कह सकते हैं
अच्छा इनको अगर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को लेना पड़े तो हम कह सकते हैं ये एक इंसिडेंस प्रॉपर्टीज है किसकी, प्रोटॉन्स की और प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है कि नहीं है। इसे वैसे अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसको जो मेजर करने के लिए, किसी भी चार्ज को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज ऐसा यूनिट यूज करते हैं वो ऐसा यूनिट होती है कूलम, समझ रहे हैं। ये ऑलरेडी आपके पास में लिखा ही हुआ है कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो, तो इसको जो होता है ऐसा यूनिट जो होता है हम क्या कहेंगे, कूलम। अगर मान लीजिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इसका एक सर्टेन जो होता है वो मेजरमेंट होता है। अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज बताना है तो हम कह सकते हैं माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 जो होता है वो इसकी वैल्यू होती है। और यही चीज अगर आप प्रोटॉन्स के लिए लगाएंगे तो हम कह सकते हैं तो हमारा चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, उसमें आप जो होता है वो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस की जगह पे प्लस जो होता है लिखेंगे और यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 एक प्रोटॉन का जो होता है वो चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आ रही थी, सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो होता है वो चार्ज क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब चार्ज जाने से बात है कि हमने कहा कि भाई जो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड द चार्ज, ठीक है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो अगर मैं कहूँगी कि भाई जो मान लीजिए कोई भी मेरे पास में एक कंडक्टर्स है और कंडक्टर्स में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको एक और बात बता देती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में कोई यहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा है, ओके ना। अब आता है कि इसमें आपके पास में रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं और इधर उधर मतलब किसी भी डायरेक्शन में जहां उनका मन कर रहा हो, फ्री इलेक्ट्रॉन तो जो होते हैं वो इधर उधर मूव करते ही रहते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपने इसको यहाँ पर होता है अपने सेल या बैटरी जो भी है उससे कनेक्ट कराया, तो देखिए ये लंबा वाला है इसको हम पॉजिटिवली लिखेंगे, इसको हम नेगेटिवली लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो एक एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब क्लास में जो है वो टीचर नहीं आई होती है तो बच्चे लोग जो होते हैं कैसे हुड़दंग मचा रहे होते हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई मैडम आ जाती है क्लास में तो तुरंत ही तुरंत सब बच्चे क्या करते हैं, एक वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एकदम अरेंज हो जाते हैं, जिसकी जो पोजीशन होती है वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और फिर को सिस्टमेटिक बेसिस होते हैं डिसिप्लिन में रहने लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यही है, हमारा जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें प्रेजेंट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं लाइक स्टूडेंट्स। वो क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे सेल या बैटरी से इसको चार्ज अपना जो है वो कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में हमने जो है उसमें अपना जो है वो स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से हमारा जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये जाहिर सी बात है ये होते हैं माइनस चार्ज के साथ, और माइनस है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो प्लस की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये है और ये है मेरे पास में, एक मैं बड़ा करके बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक है। तो वो जो होता है वो कोशिश करेगा प्लस की तरफ भागने, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भागेंगे, प्लस की तरफ, और हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट बहेगा वो उसके उल्टी दिशा में बहेगा। उल्टी दिशा में मतलब आप जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और करंट जो बहेगा वो आपका प्लस से माइनस की तरफ बहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा
कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनस चार्ज वाले होते हैं, वो हमेशा किसकी तरफ भागेंगे, प्लस की तरफ भागेंगे, ठीक है। इसकी जस्ट उल्टी दिशा में ही हमेशा जो है वो करंट आपका जो है वो फ्लो करेगा। तो अगर ये जो है वो प्लस की तरफ भागेंगे तो करंट हमारा जो होता है वो इसकी उल्टी दिशा में जाएगा और अपने सर्किट को पूरा करेगा। तो ये मैंने यहाँ पर शो भी किया है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जाहिर सी बात है इसको मेजर करने के लिए आप एम्पियर यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा कूलम पर सेकंड जो होता है वो हम इसकी ऐसा यूनिट जो होता है लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पैरेलल में यहाँ पर देखिए बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी हुई है, हमारा करंट जो होता है वो यहाँ से लेकर के ऐसे बह रहा है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख भी दीजिए, ये माइनस की तरफ बह रहा है और ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ बह रहा है। बल्ब के पास में हमने जो होता है वो सीरीज जो होता है कनेक्शन में अपने एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लगाते हैं, जो हमारा क्या नापेगा, इलेक्ट्रिक करंट को नापने का काम करेगा। इसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका जो सर्किट बनेगा उस सर्किट में आपका सीरीज कनेक्शन में ही लगेगा एमीटर, ठीक है। तो ये हो गया प्लस। इसके अलावा जो होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या कहलाएगी, एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर, चार्ल्स है, उन्हीं के नाम पर ही इसकी यूनिट को जो होता है वो एम्पियर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की। अच्छा, अगर हम इसके अलावा अगर आपको दूसरी ऐसा यूनिट जो होते हैं वो यूज़ करनी है तो आप कूलम पर सेकंड लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। मेजरमेंट जो होता है कितना लेंगे तो हम कह सकते हैं एक जो है मिली एम्पियर, मतलब एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10^-3। इसी तरीके से अगर हमने देखा है कि अगर 1 μ जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो वो हम कह सकते हैं 10^-6 एम्पियर के इक्वल होगा, ठीक है, आई थिंक सो। तो अगर हमको इसको डिफाइन करना हो और इसको वर्डों में ऑर्गेनाइज करना हो तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होते हैं या नेट क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एंड अक्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टिंग इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे कि जो भी आपके पास में दिया गया कंडक्टर है, यानी कि गुड कंडक्टर, कॉपर सिल्वर जो भी है, उसमें से जो नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने सेक्शन एरिया से जो होते हैं वो पास हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अगर उसको हमको फॉर्मुलेटिव करना हो तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है Q/T। Q मींस होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी आपके पास में चार्ज है वो अपॉन टाइम, ठीक है कि नहीं। तो Q/T से अगर आपको जो होता है इलेक्ट्रिक करंट I जो होता है वो मेजरमेंट करना हो किसी भी सर्किट का तो बड़े आराम से पता कर सकते हैं। तो I इज इक्वल होता है Q/T, जो भी हमारी चार्ज है वो कितने टाइम में कितने क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है, तो वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और बाई चांस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको क्यों नहीं पता होता है, तो क्यों हम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम जो होता है जैसे क्वांटिटी कितनी है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्रॉस सेक्शन में बह रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना एन मल्टीप्लाई बाई ई, ठीक है कि नंबर ऑफ जो भी है आपके पास में और मल्टीप्लाई बाई एन। और इसके अलावा अगर आई निकालना हो तो हम इसका क्यू का जो होता है वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो हमारे पास में जाएगा आई। हमको अगर मान लीजिए इन केस आपके पास में क्यू नहीं दिया है तो आप एन ई लगा सकते हैं और एन ई से जो होता है वो डायरेक्ट पुट अप करके डिवाइड बाई टी करके आई को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। तो एक बार इसको जो होता है वो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है नेट क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एंड एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। आई इज इक्वल टू Q/T, ओके। और इसको हम जो होता है वो एम्पियर में नापेंगे। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इसके दूसरी ऐसे यूनिट होता है कूलम पर सेकंड कहलाएगी। और ये आप अगर मिली एम्पियर को ले जाएंगे, 1 mA किसने के बराबर होता है तो मिली जो होता है वो 10^-3 एम्पियर के बराबर होता है और
अगर हम बात करते हैं तो वो 10^-6 एम्पियर के बराबर होगा। और इसको जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं वो एमीटर यूज करने वाले हैं, और एमीटर हमेशा जो होते हैं वो सीरीज जो कनेक्शन होता है उसमें ही लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर इनकेस आपके पास में क्यू नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि आपके पास में जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दिया है, तो उसकी जगह पे आप NE जो होता है हम यूज कर सकते हैं। NE means होता है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर इन द टाइम t इक्वल टू द N। ओके, नाउ अब वो तो NE की वैल्यू हम पुट करके q की जगह पर हम डायरेक्ट I डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो होता है वो अगर हमको बोला जाए चार्ज कितना होता है तो वो 1.6 -19 जो है इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, और प्रोटॉन में ये चीज हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी। याद भी कर लीजिएगा इसकी वैल्यू क्योंकि आपको सम्स करने में यूज होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक बड़ा सा जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फुल ऑफ वाटर, वो पानी से पूरा भरा हुआ है, और आपने एक छोटे से जो होता है वो ट्यूब के थ्रू जो होता है उसको एक खाली दूसरे वेसल्स के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पे आपने ऑन किया तो आपने देखा कि जो पानी का फ्लो है वो ज्यादा वाले पानी से कम वाले पानी की तरफ, ये खाली वाले बर्तन की तरफ जा रहा है। ठीक है, सेम टू सेम हमारा भी ऐसा ही हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है कि मान लीजिए जो करंट है आपका वो दो पॉइंटों में एक पॉइंट पर ज़्यादा है और दूसरे पॉइंट पर कम है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी भी हम सेल पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं बहुत सारी, और इन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो होता है उनके एक पॉइंट पर जो होता है वो डिफरेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसको रिकवर करने के लिए दूसरे पॉइंट की तरफ से होता है वो अपने चार्ज होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, अब जो ये वाला एग्जांपल था हमारा कि एक जो हमारा वेसल है जो फुल ऑफ वाटर है और दूसरा एम्प्टी है, तो हमने जब जब इसको जो होता है एक ट्यूब के थ्रू जोड़ दिया तो पानी का फ्लो क्या होगा, पानी का फ्लो ज़्यादा से जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ की तरफ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो पोटेंशियल आपका इनके मैं कहूँगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका मतलब यही है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रिक सॉरी इसमें आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो वाटर प्रेशर था ज़्यादा था ए में और बी में कम था, और जो वाटर का जो फ्लो था वो हमारा जो होता है वो प्रेशर वाटर प्रेशर इज लेस देन बी, इस डिफरेंस की वजह से कि वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो ए से बी की तरफ हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो देखिए शो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है ए से बी की तरफ हो रहा है। ठीक, ओके, नाउ इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोड्यूस होता है। क्या बताया कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा जो होता है वो ज़्यादा से कम की तरफ जो होता है वो बहेगा। ओके, नाउ मतलब आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो अपने बाजू वाले को दे देगा, फिर वो उससे भी आगे वाले बाजू वाले को दे देगा, और इस तरीके से जो होता है काम होता चला जाएगा। मतलब आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है ड्यू टू द पासिंग ऑफ चार्ज। ठीक है कि नहीं है, और ये होता रहेगा जब तक कि दोनों में इक्वलिटी नहीं आ जाएगी, मतलब दोनों तरफ पानी का लेवल या फिर दोनों तरफ जो होता है वो फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन
जाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कभी अगर हम दो पॉइंटों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक उस कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस कहते हैं फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के रोल में ए से बी तक लाने के लिए जो किया गया काम है वो उस काम को लगने के लिए जो भी हमने एनर्जी लगाई है वो सब जो है वो हमारी क्या कहलाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और इलेक्ट्रिकल उसके बाद में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप वी से डिनोटेट कर सकते हैं। इसका अगर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तो कहीं फॉर्मुलेटेड करना होगा तो इसे हम लिख सकते हैं जो भी आप कम कर रहे हो किस जो भी आप काम कर रहे हो कि क्या काम कर रहे हो चार्ज को ले जाने का तो V इज इक्वल टू हो गया W अपॉन Q। ठीक है, जो भी वर्क किया जा रहा है किस चीज के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, इसी को हम कहेंगे अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी SI जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलाम के अलावा इसके अलावा हम अगर दूसरा कोई एक और यूनिट यूज़ करना होगा तो हम यूज़ करेंगे बोल्ट। तो बोल्ट जो होता है तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वन बोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है तो आप कह सकते हो वर्क डन टू ब्रिंग उस कहते हैं वन कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज वन जूल। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज कॉल्ड वन वोल्ट। ठीक है, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए किया गया जो वर्क है। ठीक है कि नहीं है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वन वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो वन वोल्ट इज इक्वल टू होता है वन जूल पर कूलम। ठीक है, आप इसको फॉर्मुलेटेड भी कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं उसे हम कहते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर को ज्यादातर वी कैपिटल वी से जो है वो डिनोटेड किया जाएगा। इसके अलावा इसको कभी भी हम सीरीज में नहीं लगा सकते, इसको हम हमेशा पैरेलल में जो है वो अटैच करते हैं। जो भी हमारा सर्किट दिया होता है उसके साथ में हम अपना इसको वोल्टामीटर को जो है वो पैरेलल में जो है वो कनेक्ट करेंगे। आपने देखा होगा कई कई जो है जैसे मान लीजिए सर्किट बना हुआ है और सर्किट में मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा देती हूँ एक, तो रेजिस्टेंस में यहाँ पर ऊपर जाकर के ये इधर साइड में वी करके मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, कि यहाँ पे वोल्टामीटर हमेशा जो है वो आपके सामने इसमें अटैच किया जाएगा, ये जो होता है वो पैरेलल जो होता है उसमें सीरीज में नहीं लगाया जाता है अपने जो भी आपके पास में दिया गया सर्किट है। तो यहाँ पे हमारे ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई थिंक सो कि ये वाले टॉपिक्स होते हैं वो आपको आ गए होंगे। आज इसको एक बार जो है वो अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट जो होते हैं साइन जो इलेक्ट्रिसिटी में आगे हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह पढ़ने वाले हैं प्लस कुछ लॉज हैं जो साइंटिस्टों ने दिए हुए हैं उनको वन बाई वन सीखेंगे। तो वो एक बार आप देख लीजिएगा कौन कौन से सिंबल्स जो होते हैं वो हम सर्किट में यूज़ करने वाले हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में। आज का जो टॉपिक्स है वो यही है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड उसका कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इससे पहले जो हमने जाना कि कंडक्टर्स क्या होते हैं प्लस क्या होते हैं कंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो क्यों हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक्स।